केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल आज मानसा जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने मानसा और भिकी में लोगों के साथ मीटिंग की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरसिमरत बादल ने कहा कि जलियांवाला बाग के खूनी साके में उपराष्ट्रपति द्वारा शिरकत करने पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा न पहुँचना जहाँ प्रोटोकॉल का निरादर है, वहीं उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए प्रोटोकॉल से ऊपर कुर्सी और गांधी परिवार की खिदमत करना है, जो गांधी परिवार सिखों का दुश्मन है। कांग्रेस के सत्ता संभालते ही मानसा जिले के डिप्टी कमिश्नर पर करप्शन के दोष लगाते हुए केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि जिसका मुख्यमंत्री खुद करप्शन के किस्सों में अदालतों के चक्कर लगा रहा है, उनकी सरकार में पुलिस मुलाजम अपने आला अधिकारियों पर नशे के कारोबार में लिप्त होने के दोष लगा रहे हैं और उनकी सरकार में ही पुलिस के मुलाजम 6 करोड़ रुपए की राशि चंपत की हो, इससे साफ पता चलता है कि ये सब सरकार की मिलीभुगत से हो रहा है। आजाद टीवी न्यूज के लिए मानसा से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। बिल्कुल मोहर ला रहे हैं, जेडी गल मैं पिछले 5 साल की कही जा रही हूँ कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम हैगी। कांग्रेस ने ही दिल्ली में आम आदमी नु पैदा किया सी भाजपा की सरकार नु रोकन वास्ते, ते जेडे केजरीवाल ने आपके बच्चों के सिरा की सौ खाधी सी कि मैं ना भाजपा ना कांग्रेस के नाल सरकार मैं बिल्कुल नहीं बनावांगा। इलेक्शन के 5 दिन बाद ही कांग्रेस के नाल रली मिली सरकार बनाई। जेडे शीला दीक्षित को जेल में भेजन के दावे करता सी, अज 10 साल निकल गए शीला दीक्षित के नाल ही रल मिल के सरकार बनाने की। अज भी केजरीवाल साहब कांग्रेस के मगर मगर दिल्ली में हरियाणा में सारी जगह ही साढ़े नाल रल मिल के करो, तो पंजाब में इकट्ठे लड़ी रहे हैं। 2017 की चोणों ने दोनों ने इकट्ठे होके सारी इन्हों की गल ही होंगी सी, भंडी प्रचार अकाली दल के खिलाफ, एक दूजे के खिलाफ तो कोई प्रचार ही नहीं। जे बठिंडे हूँ लड़ाई लड़नी है तो दोनों कट्ठे देख रहे हैं कि आप किमें पंजाब से लड़िए। 2017 से बादल साहब के खिलाफ भी कट्ठे होके बाल साहब के खिलाफ आए, कट्ठे होके सुखबीर जी के खिलाफ गए, एक दूजे के खिलाफ तो इन्हों की लड़ाई कदे सी नहीं। सो ये बिल्कुल सिसोदिया साहब ने ही साफ कर दिता हैगा कि ये दोनों एक दूजे की बी टीम है। लेकिन यहोजी बी टीम जिहड़ा 4 दिन आपके 4 मैंबरों नूं नहीं कट्ठे रख सकदियां, ते यहोजी बी टीम बथेरियां इस तो पहले PPP भी आई सी, वह भी इस तरह बुलबुले की तरह आई तो कांग्रेस में चली गई। हुण आम आदमी आई हैगी, ये भी कांग्रेस के चली जाऊगी। सो एक कांग्रेस के हथकंडे हर इलेक्शन से नवे नवे अपनाए जा रहे हैं। जलियांवाला बाग की सैनिटरी मैस करता सैनिटरी उन्होंने ऑब्जर्व किए, उ सारा सैलीब्रेशन ऑब्जर्व किया। उत्थे खबर आ रही है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ये आप नहीं उत्थे पहुंचे, तुहाडा कोई इन्हें कमेंट? बहुत दुख की गल हैगी कि इन्नी वड्डी शताब्दी खूनी साका की शताब्दी होए 100 साल की, जिथे आज़ादी की लड़ाई का खून खोलन लग्या सी जद जालिम ब्रिटिश सरकार ने निहत्ते बेकसूर के उत्ते इस तरह गोली चला के उन्होंने हज़ारा की गिनती में खत्म करता सी, तो जब साडे देश के उपराष्ट्रपति उत्थे पहुँचते ने इस खूनी साके के 100 साल में श्रद्धांजलि देने वास्ते, तो जिहड़ा प्रोटोकॉल होंदा है कि सूबे का मुख्यमंत्री उत्थे प्रेजेंट होए, उस सूबे की मुख्यमंत्री उस गांधी परिवार की खिदमत में इन्ने रुझे हुए थे, जिस गांधी परिवार ने पंजाब ते सिखा नू नसलकुशी तो लैके काल तख्त साहब के हमले से कोई कसर नहीं छड़ी, ते देश के जिहड़े उपराष्ट्रपति हैगे उन्होंने प्रोग्राम विच भी शामिल नहीं होए। मैं समझती हाँ ये देश द्रोहियों का साथ दे के या ओहो जी ताकतों का साथ दे के जिहड़े सिखां दे दुश्मन ने, ते किते ना किते बहुत वड्डी इन्होंने इंसल्ट की है उपराष्ट्रपति की, क्योंकि उपराष्ट्रपति किसी एक पार्टी के नहीं होंगे, वो देश के एक हेड होंगे ने, तो उन्होंने प्रोग्राम में ना शामिल होकर कांग्रेस ने साबित कर दिता है कि इन वास्ते कुर्सी तो गांधी परिवार ही माई बाप हैगा,
ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਏ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।